ग्वालियर शासकीय शिक्षक और कई कॉलेज के संचालक प्रशांत सिंह परमार के बेटे की हत्या की खबर से शहर में सनसनी फैली हुई है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल गुमशुदगी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन जिस व्यक्ति को मोबाइल सर्विलांस के आधार पर आखिरी बार बात करने के लिहाज से पकड़ा गया है, उसने अपने बयान से पुलिस के पैरों तले जमीन खिसका दी है। नगर निगम में काम करने वाले करण वर्मा नामक एक व्यक्ति ने प्रशांत सिंह परमार के युवा पुत्र प्रखर परमार की गोली मारकर हत्या और उसकी लाश को ठिकाने लगाने की बात कही। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि दतिया के बरुआ सागर में युवक की लाश हो सकती है। ऐसी सूचना पर दतिया पुलिस से संपर्क स्थापित कर प्रखर परमार की तलाश शुरू कर दी गई। एक पार्टी दतिया अभी विश्वविद्यालय थाने में भेजी गई है। आसपास के क्षेत्र में उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अभी तक कोई सबूत हाथ नहीं लगे हैं, मगर पुलिस अपनी ओर से जो है पूरा प्रयास कर रही है। सर मैं तो गांव से आया हूं, मुझे तो नहीं मालूम, मेरे जो अंकल हैं उनको मालूम होगा, घर वालों का। मैं तो सर राजस्थान का हूं, आदमपुर से। क्या बताया आपको? कब वो कल की बता रहे थे, हमें तो अभी सुना है, हमें अभी ऐसा मालूम नहीं है, अभी उनको मालूम होगा, घर वालों को सारी बात है। कल रात के 10 बजे यूनिवर्सिटी थाना पे एक सूचना प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति जो है, इस शहर का जो रहने वाला व्यक्ति है, उसकी गाड़ी जो है वो जो यहाँ पर जो कलेक्ट्रेट के पास वो आया था वो व्यक्ति, और उसके बाद से वो लापता हो गया है। उसके बारे में उसके घर वालों को कोई जानकारी नहीं मिल पा रही, और उसके बाद कहाँ पर है उसका फ़ोन स्विच ऑफ है, तो उसके वजह से यहाँ पर उनके घर वाले ने आके एक सूचना दी कि वो व्यक्ति गुम हो गया, जिस पर गुम इंसान यूनिवर्सिटी थाने पर दर्ज।